अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप्स केक, और विदाउट ओवन। तो ये कैसे बनता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चलिए मैं आपको बता दी। सबसे पहले मैंने केक का सांचा लिया है और इसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया, इसमें बटर पेपर लगा दिया इस तरह से। और इंग्रीडियंट्स में मैंने लिए हैं, मैदा लिया है मैंने 1½ कप, इस तरह का कप इस साइज़ का लिया है मैंने 1½ कप। मैदे का लिया है मैंने, ऑयल लिया है 5 टेबल स्पून, आप चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं। चॉकलेट चिप्स लिए हैं केक में डालने के लिए, और शुगर लिए 1 कप, इसी कप के साइज़ से 1 कप मैंने शुगर ली थी, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। 4 अदद अंडे लिए हैं, बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, और वनीला एसेंस लूँगी मैं 3 ड्रॉप्स। सबसे पहले यहाँ बाउल में मैं डाल दूँगी ऑयल, शुगर पाउडर डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। शुगर पाउडर मैंने ऑयल में मिक्स कर लिया है। अब सबसे पहले मैं अंडे लूँगी, अंडे लिए मैंने, ये एक एक अंडा तोड़कर एक एक करके मैं अंडा डालूँगी शुगर पाउडर के अंदर जो मिक्स किया है। पहले बाउल, छोटे बाउल में तोड़ के फिर बड़े बाउल में डालूँगी। इस तरह हमारे कोई भी अंडा ख़राब निकला तो हम अलग कर सकते हैं, वरना सारा ही मिक्सचर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो एक एक अंडा करके तोड़ना है हमने 1 बाय 1। अब इसे मैं बीटर से बीट कर दूँगी सबको। अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखिए अंडे बीट हो गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें डाल दूंगी, साथ स्ट्रेनर में डालकर इसको छान लूंगी अच्छी तरह से। अब इसमें मिक्स कर लूंगी आराम आराम से, पहले से बहुत आराम से हमने मिक्स करना है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं बीटर से इसे बीट करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। इसमें मैं डाल दूँगी वनीला एसेंस, और इसमें मैं डाल दूँगी 4 टेबल स्पून मिल्क। बैटर थोड़ा सा थिक है इसलिए मैं 4 टेबल स्पून डाल दूँगी मिल्क, और इसे एक मरतबा फिर से बीट कर लूँगी बीटर से। अब ये बैटर मैं डाल दूँगी मैं सांचे में, केक के सांचे में 1/2 बैटर डालूँगी, और जब मेरे पास चॉकलेट चिप्स है वो डाल दूंगी 1/2। और इसके बाद अब मेरे पास जो बाकी बैटर है सारा डाल दूंगी, और जो बाकी सारे चॉकलेट चिप्स मेरे पास पड़े हुए थे वो सारे डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसे टैप कर लूंगी ताकि इसमें कोई बबल ना रहे। यहाँ पर मैंने पैन प्री हीट कर लिया है पहले से, इसमें मैं केक का सांचा रख दूंगी। इसे 2 मिनट पहले मैं हाई फ्लेम पर पकने दूंगी, इसके कवर करके 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकने दूंगी। इसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूंगी और इसे 45 मिनट तक मैं पकने दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। 45 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको टूथपिक की मदद से दिखाती हूँ कि ये देख रहे हैं ये टूथपिक हमारी कितनी साफ़ निकली है, तो इसका मतलब केक हमारा पक कर तैयार हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, ये देखिए केक हमारा कितनी अच्छी तरह से बेक होकर तैयार हुआ है। इसे अब मैं नाइफ़ की मदद से सेपरेट कर लूँगी टिन से। ये देख रहे हैं केक हमारा बेक होकर तैयार हो गया है। इसका मैं ऊपर से बटर पेपर हटाऊँगी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कट करके कि केक हमारा कितने अच्छे से बेक होकर तैयार हुआ है। देखा कितने अच्छे से हमारा केक बेक होकर तैयार हुआ है, कैसे मज़ेदार सा फ्लफी सा तैयार हुआ है। तो यमी सा हमारा चॉकलेट चिप्स केक तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर से आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।